को 485 ग्राम स्मैक के साथ एक महिला तस्कर गिरफ्तार की गई है। महिला लंबे समय से स्कूलों और कॉलेज के बच्चों को नशीले पदार्थ सप्लाई करने का काम कर रही थी। बांदा पुलिस के मुताबिक बरामद स्मैक की कीमत 56 लाख है और इस महिला ने बांदा जनपद के समस डिग्री कॉलेज इंटर कॉलेज में स्मैक का जाल बिछा रखा था। आरोपी महिला को बहुत सारी महिलाएं इस कारोबार में लगा रखी हैं। मिली सूचना के पुलिस ने शुक्रवार को पपरेंदा तिराए से इस महिला को गिरफ्तार कर लिया। जनपद बांदा में ये काफ़ी सूचनाएं मिल रही थी कि यहाँ पर स्मैक का जो है अवैध कारोबार हो रहा है। इस पर हमने पुलिस ने अपना मुखबिर तंत्र हम लोगों ने इसको फैलाया और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में और क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देश पर उनके पर्यवेक्षण में तेंदुवारी थाने के द्वारा ये सफलता प्राप्त हुई है। इसमें मुखबिर से ये सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला जो है वो स्मैक लेकर के वो आ रही है और उसको ट्रैक किया गया और पपरेंदा तिराहे पर तेंदुवारी थाना के पपरेंदा तिराहे पर इस महिला को दबोचा गया। श्रावस्ती जिले के मलय